काली और गोरी परी का बंटवारा। बहुत समय पहले की बात है, परी लोग की रानी सुगंधा परी को कई वर्षों के बाद बहुत ही प्यारी एक बेटी हुई, जिस वजह से पूरे परीलोक में जश्न का माहौल था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। रानी परी भी उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश थी। सोनाली परी, मुझे आज परीलोक के मंदिर में जाकर परियों की देवी पार्वती को प्रसाद चढ़ाने मंदिर जाना है। आज उन्हीं की कृपा से मुझे बेटी का सुख प्राप्त हुआ है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है रानी परी, मैं अभी आपके जाने का बंदोबस्त करती हूँ। और फिर रानी परी सोनाली परी के साथ पूजा करने मंदिर जाती है। रानी परी जब मंदिर से पूजा करके वापस घर की तरफ आ रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक प्यारी सी मासूम बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। अरे, ये मंदिर के सुनसान रास्ते पर किसका बच्चा हो सकता है? अरे मेरे बेटा, रोते नहीं, चुप हो जाओ। और फिर रानी परी उस बच्ची को गोद में उठा लेती है। रानी परी उस बच्ची के माँ का पता लगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ का कोई पता नहीं चलता। उसके बाद रानी परी उसे अपने साथ महल में ले आती है। देवी की कृपा से आज मुझे एक नहीं बल्कि दो दो बेटियों का माँ बनने का सुख मिल गया। और शायद देवी की भी यही इच्छा है कि मैं इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करूं। आज से ये दोनों मेरी ही बेटी है। और फिर रानी परी अपनी दोनों बेटियों का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करने लगी। समय के साथ साथ रानी परी की दोनों बेटी बड़ी हो गई। रानी परी ने अपनी सगी बेटी का नाम स्नेहा और दूसरी बेटी जो मंदिर के आगे मिली थी उसका नाम सोना रखी थी। सोना दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, वही स्नेहा का रंग सांवला था, जिस वजह से दोनों परी बहनें एक दूसरे से हमेशा जलती रहती थी। सोना, ये ड्रेस देखो कैसा है, ये मेरे पे कैसा लगेगा? तू भी पता नहीं क्या है। अरे कम से कम अपने रंग को देख कर तो ड्रेस चॉइस किया कर, खुद भी काली और ऊपर से कपड़े भी काला पसंद कर रही है, इसे पहनकर तो पूरी काली बंदरिया दिखने वाली है। तुमसे तो लाख गुना अच्छी ही हूँ मैं। काली बंदरिया होगी तू, समझी? कभी खुद को भी आईने में जाकर देख लिया कर, खुद के तो पकोड़े जैसे नाक और चाइनीज जैसे आंखें हैं, जो हमारे परिलोक में किसी से भी मैच नहीं खाता। पता नहीं माँ ने तुम्हें किस कचरे के डब्बे से उठाकर घर ले आई। बड़ी आई कचरे के डब्बे से तू आई होगी, समझी? मैं तो अपनी माँ की बेटी हूँ। वो मेरी माँ है, खबरदार जो मेरी माँ को माँ कहा तो, वो मेरी माँ है। ओफो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। अरे तुम दोनों को कब अकल आएगी? इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन अब तक तुम दोनों को अकल नहीं आई है। अब चलो दोनों लड़ना बंद करो, और स्नेहा तुम सोनाली परी के कक्ष में जाओ, उन्हें तुमसे कुछ काम है, और सोना तुम मेरे साथ आओ, जरा मेरे काम में मेरी हेल्प करो। रानी परी के समझाने के बाद दोनों झगड़ना तो बंद कर देती है, लेकिन दोनों बहनों में एक दूसरे के लिए पल रही नफरत नहीं खत्म होती। उन दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रानी परी अपनी दोनों बेटियों को समझा समझा कर हार मान चुकी थी। उनकी दोनों बेटियां बहुत ही ज्यादा जिद्दी और घमंडी थी। एक दिन फिर से दोनों बहन किसी बात से झगड़ रही थी। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? जब देखो तुम दोनों झगड़ती ही रहती हो। ये मेरा परी महल है, ना कि तुम दोनों की लड़ाई करने का अखाड़ा। जब देखो तुम दोनों झगड़ती ही रहती हो। अरे अपनी ना सही तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लिया करो। तुम दोनों की वजह से मैं तो तंग आ गई हूँ। पूरे परिलोक में नाम बदनाम करके रखा है तुमने। माँ, ये चाइनीज सोना बहुत ही दुष्ट है, ये हर वक्त मुझसे लड़ाई करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। कल मुझे मेरे दोस्त राधा के जन्मदिन में जाना था, लेकिन जैसे ही मैं अपना ड्रेस निकाल कर नहाने गई, इसने वहाँ आकर चलन से मेरी ड्रेस चला दी। नहीं माँ, ये काली बंदरिया झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसे तो खुद ही अपने कपड़ों का ध्यान नहीं होता, इसने ड्रेस खुद ही लापरवाही से जलाई होगी और अब इल्जाम मुझ पे लगा रही है। बस करो तुम दोनों, एक दूसरे के दिल में अपनी बहनों के लिए जरा से भी इज्जत नहीं है। जब देखो एक दूसरे से चूहे बिल्ली की तरह झगड़ती रहती हो। इतनी बड़ी हो गई हो तुम दोनों के दोनों, लेकिन अभी भी अकल नहीं आई है। मैं तो ये सोचकर दुखी रहती हूँ कि भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए फिर तुम दोनों मेरे इस परिलोक का क्या हाल करोगी। नाक में दम कर दिया है दोनों ने मिलकर, तंग आ गई हूँ मैं अब तुम दोनों से। अब से अगर किसी ने भी झगड़ा किया तो मैं तुम दोनों को अपने महल से बाहर निकाल दूंगी। अब जाओ दोनों यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन रानी परी अपने बगीचे में सैर कर रही होती है। कितना सुकून और शांति है यहाँ, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। घर में तो मैं अपने दोनों बेटियों से परेशान हो चुकी हूँ। हे भगवान, मेरी दोनों बेटियों को कब अकल आएगी।
रानी परी अपने सोच में डूबी प्रकृति के सौंदर्य को निहार रही थी। तभी पीछे से दो चुड़ैल वहां आती है और धोखे से रानी परी को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ जब ये बात परीलोक के बाकी परियों को पता चलता है तो वो सब रानी परी के खोज में लग जाती है, लेकिन रानी परी का कहीं कुछ पता नहीं चलता। रानी परी को महल से गायब हुए पूरे एक महीना बीत जाता है, लेकिन किसी को भी अभी तक रानी परी का कोई पता नहीं चलता है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा और सोना परी रानी परी के महल में ना होने की वजह से फिर से अपनी मनमानियां करने लगती है। दोनों अपनी अपनी मर्जी से जो दिल आए करती है। एक दिन तो दोनों बहनों में लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों बहन रानी महल का बंटवारा तक कर देती है। दोनों बहन की वजह से पूरे परीलोक की परियां बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो चाहती थी कि कैसे भी करके जल्दी जल्दी रानी परी का पता लगाकर ये सब जल्दी से रोक दिया जाए। हे भगवान, मुझे मेरी रानी परी से जल्दी से मिलवा दो, मैं इस परी महल का बंटवारा और ज्यादा दिन तक नहीं देख सकती। फिर एक दिन स्नेहा परी अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों आज तुम सब मेरे साथ मेरे महल में चलो, आज हम खूब मजे से पार्टी करेंगे। और फिर स्नेहा अपने परी दोस्तों को महल में लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोना परी भी अपनी कुछ परी सहेलियों को लेकर महल में आ जाती है। तभी स्नेहा परी महल में खाना बनाने वाली परी को अपनी सहेलियों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने को बोलती है। ये देखकर सोना परी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, रुक जा काली, तुमसे पहले मैं अपनी सहेलियों को महल में लेकर आई हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरे सहेलियों के लिए खाना बनेगा। तुम अपने इस भुक्कड़ और हफ्से सहेलियों के लिए खाना बाद में बनवा लेना, समझी? तभी स्नेहा परी की सहेली रागिनी कहती है, अरे स्नेहा, इस परी महल में तो तुम्हारी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है। देख तेरी बहन सबके सामने किस तरह तुम्हारी बेइज्जती कर रही है, और तो और वो तुम्हें ऐसे काली बोल रही है। हमें तो लगा था रानी परी के जाने के बाद तुम्हारे महल में तुम्हारी ही चलती होगी, लेकिन यहाँ तो तुम्हें कोई कुछ समझता ही नहीं है। ये सुनकर वहाँ उपस्थित सभी परियाँ जोर जोर से हंसने लगती है। स्नेहा परी को इस तरीके से अपनी बेइज्जती होता देख वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने मन में कहती है, बस अब बहुत हुआ, आज इस चाइनीज सोना की बच्ची ने तो हद ही कर दी, आज मैं इस चाइनीज की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। स्नेहा परी गुस्से में आकर सोना परी का बाल खींचकर उसे जमीन पर पटक देती है। बहुत ज्यादा ही बन रही थी ना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, मैं भी आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर दोनों परी बहनें एक दूसरे को मारने लगती हैं। तभी गुस्से में आकर स्नेहा परी अपना तलवार निकालती है और उसे सोना परी पर वार करने लगती है। सोना परी स्नेहा के तलवार से बचते हुए बोलती है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं आज ही तेरा काम खत्म कर दूंगी। आज मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं आज ही तेरा काम खत्म कर दूंगी। उसके बाद मैं इस पूरे महल में अकेली ही रहूंगी, समझी? और फिर तभी सोना परी भी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से आग का गोला स्नेहा परी की तरफ फेंकने लगती है। तू आज इस आग के गोले से नहीं बच पाएगी, ये आग के गोले तुझे जलाकर राख कर देंगे। जा जा, आग के गोले स्नेहा की बच्ची का काम तमाम कर दे। तभी स्नेहा परी अपना बचाव करते हुए वहाँ एक आग का कुआं प्रकट कर देती है। इस तरह दोनों बहनों की लड़ाई बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाती है। दोनों की लड़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। दोनों ने लड़ाई में जो आग के कुआं और आग के गोले का उपयोग किया था वो आग धीरे धीरे पूरे महल में फैलने लग जाता है और धीरे धीरे सारा महल जलने लगता है। लेकिन इन सब चीजों से बेखबर दोनों बहनें अपनी लड़ाई में व्यस्त थी। इधर रानी परी की दोस्त सलोनी परी रानी परी का पता लगाते लगाते चुड़ैल के गुफा तक पहुंच जाती है, जहां उसने रानी परी को कैद करके रखा था। मैंने हर तरफ रानी परी का पता लगा लिया, लेकिन रानी परी का कहीं कुछ पता नहीं चला। अब बस यही एक जगह बाकी रह गई और मुझे पूरा यकीन है रानी परी यही होगी। रानी परी, अब समय आ गया है, आज हम तुम्हें अपनी कुल देवी के सामने बलि देकर सदा के लिए अमर हो जाएंगे और इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे राज। धोखेबाज चुड़ैल, हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखा, ये कायरों की तरह मुझे धोखे से क्यों यहाँ कैद करके लाई है? अगर हिम्मत है तो मुझे आजाद कर और मुझसे मुकाबला कर। तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है जो हम तुम्हें आजाद करें?
इतनी मुश्किल से तो तू मेरे हाथ आई है, अब तो आजादी सिर्फ तुम्हें ऊपर स्वर्ग में जाकर ही मिलेगी। तभी वहाँ पर सलोनी परी आ जाती है। दुष्ट चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रानी परी को इस तरह बंदी बनाकर यहाँ लाने की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर सलोनी परी अपनी जादुई शक्तियों से रानी परी को आजाद कर देती है। रानी परी और सलोनी परी दोनों मिलकर उस चुड़ैल की जमकर धुनाई करते हैं और अंत में उसे जलाकर भस्म कर देते हैं। और फिर सलोनी परी रानी परी को परी महल के बंटवारे के बारे में सारी बात बताती है। इधर दोनों बहनों की वजह से पूरे परी महल में आग फैल जाता है। अरे रुक जाओ तुम दोनों, अरे तुम दोनों बहनों की वजह से ये पूरा परीलोक जल रहा है। चलो दोस्तों यहाँ से भाग चलते हैं, वरना हम सब मारे जाएंगे। इस तरह घबराकर सभी परियां वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ स्नेहा और सोना महल के जले हुए मलबे के नीचे दब जाती है और दोनों अपने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोई बचाओ हमें, अरे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगी। अरे कोई तो आ जाओ हमें बचाने, प्लीज हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। तभी अचानक वहाँ रानी परी सोनाली परी के साथ आ जाती है। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों की मदद से महल में लगे हुए आग को बुझा देती है। रानी परी और सोनाली परी मिलकर स्नेहा और सोना को निकालकर बाहर ले आती है। तुम दोनों ने आज वही किया जिसका मुझे डर था। आज तुम दोनों बहनों की वजह से मेरा बनाया हुआ ये प्यारा सा परी महल जल गया। मैं तुम दोनों को इस परीलोक से निष्कासित करती हूँ। चले जाओ यहाँ से और दोबारा दोनों में से कोई मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। परी माँ ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ परी माँ हमें एक मौका दे दो, अब से मैं कभी स्नेहा से झगड़ा नहीं करूँगी। हाँ हाँ माँ मैं भी अब कभी सोना से नहीं लड़ूंगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन रानी परी अभी भी अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही ज्यादा नाराज थी। तभी सोनाली परी कहती है, रानी परी प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब से ये आपस में नहीं लड़ेंगी। ठीक है सोनाली परी, तुम कहती हो तो मैं इन्हें माफ कर देती हूँ। और फिर रानी परी दोनों बहन को माफ कर देती है। स्नेहा और सोना एक दूसरे से माफी मांगती है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाती है। और फिर उस दिन के बाद से सभी परियां मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें, ताकि आपको ऐसी और नई नई मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।